का हर पिता, जिस समय घर से बेटियां विदा होती हैं, उस समय पिता के दिल पर क्या गुजरती है कि बेटी का पिता ही जानता है। आज देवक महाराज बेटी को विदा कर रहे हैं, देवकी को फूट फूट करके रो रहे हैं, सब लोग खड़े खड़े देख रहे हैं। तो आज जब देवकी को रोता हुआ देखा है तो देवक और तेजी से रोने लगते। इधर देवकी ने अपने बाबुल को रोता हुआ देखा, देवकी अपने बाबुल के गले में गलबहिया भर भर के रोने लगी। तो देवक बोली है, बेटी और देवक आज अपनी बेटी देवकी को दुआएं आशीर्वाद देते हुए बोले कि बाबुल की दुआएं लेती जा। बाबुल की दुआएं लेती जा, और जा तुझे सुखी परिवार मिले, और बताएं। वैसे दुख नहीं होता, लेकिन दुख इस बात का है जिस समय बेटी विदा हो जाती है, ससुराल में जाती है, बात बात पर ससुराल वाले मालूम है क्या कहते हैं, ये कभी अपनी नहीं हो सकती क्योंकि ये पराए घर से आई है। और जब बेटी मायके में होती है, जब शादी नहीं होती है, तब माँ बाप या परिवार वाले कुछ बात आती है तो हर कोई क्या कहता है मालूम है, अरे इसे पढ़ाने लिखाने से क्या होगा, क्योंकि ये तो पराए घर का धन है, ये तो पराए घर चली जाएगी। मैं तो यही सोचती हूँ परमात्मा कि चिड़िया होती है बेटियां, चिड़िया होती है बेटियां, पर पंख नहीं होते हैं बेटियों के। मायका भी होता है और ससुराल भी होती है, पर कहीं पर अपने घर नहीं होते हैं बेटियों के। हर जगह कहते हैं ये पराई है, ये पराई घर किसे आई है, कहाँ है घर, कहीं घर नहीं है। झूला
चलती चलती है दुआ मेरी, तुझे अमर रूप तेरा स्वाग मिले। सब लोग चिल्लाते हैं पर एक पिता वो होता है जो अपनी आंखों के आंसू पेट में ही पीता रहता है, किसी को दिखाई नहीं देता। गले में गंभैया डाल करके रोने लगी है और कहने लगी है, पिताजी पिताजी आपने मुझे इतना पाल पोष के बड़ा कर दिया, भला आज इस आंगन से मुझे भेज रहे हो, भला आज के बाद ही आंग पराया हो जाएगा। मैं इसी आंग में पली पढ़ी खेली खाई इतनी बड़ी हुई, आज वही आंगन मेरा पराया होने जा रहा है। और देवकी अपने पिताजी से बोली, पिताजी अरे छूट गई जन्म नगरिया, अरे पिताजी मेरी जन्म नगरिया, काहे गई है छोड़वा। पंडित द्वार
बेटी का नियम नहीं, हर बेटी का नियम है। अपने माँ बाप का आंगन छोड़कर भी पराए घर में से एक न एक दिन जरूर जाना है, यहाँ रहना नहीं है। तो दुख तो बहुत होता है जिस समय आंगन से बेटी विदा होकर के जाती है। बेटी को कष्ट होता है, पता नहीं ससुराल वाले लोग जाने कैसे मिलेंगे, सम्मान करेंगे या नहीं करेंगे। अरे भूल मेरी जन्म नगरिया, अरे पिताजी जन्म नगरिया, आए रही महाराज देवकी को विदा कर रहे हैं। देवकी रो रही है, आशीर्वाद दिया है, समझाया है। देवकी रो ना, हर बेटी को ससुराल में जरूर जाना है, यार रहना किसी को नहीं है। चाहे कितना भी गरीब पिता तो ना हो, लेकिन बेटी को उसने भी घर पर रख कर के नहीं खिला पाया है। और चाहे कितना भी बड़ा बाप क्यों ना हो, बेटा तो उसका भी रह जाता है, लेकिन बेटियां किसी की कुंवारी नहीं रहती है बेटी। इसलिए ससुराल में जाओ, रो नहीं। देवक ही नहीं, पूरा मथुरा का समाज रो रहा है जिस समय देवकी ससुराल जा रही है। तो ऐसे ही जब बेटियां घर से विदा होती हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब बेटी घर से विदा हो जाती है ना, तो उस समय
घर आंगना जो होता है सूना सूना दिखाई देने लगता है। और जब माँ का आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि बेटी पराए घर का धन है, लोग कहते हैं बेटी पराए घर का धन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भक्तजनों। बेटी एक लक्ष्मी होती है, आपके घर में लक्ष्मी के रूप में आती है। आपने देखा होगा कि पिता अपनी बेटी के लिए चार चार साल तक लड़का देखता है, ना तो कभी थकता है, ना जेब का पैसा खत्म होता है। और जिस दिन बेटी घर से विदा होकर के चली जाती है, उस दिन टेंट वाला और हलवाई अगर आए और कहे भैया हमारा हिसाब कर दो, तो पिता कहता है भैया अभी तो नहीं, दो चार दिन के बाद आना, क्योंकि जिम में शक्ति वो जिम में पैसा नहीं है और शरीर में ताकत नहीं है, अब मुझसे आपका हिसाब नहीं होगा, दो चार दिन के बाद आना। देखिए लक्ष्मी थी चली गई, पिता के जेब का पैसा भी खत्म हो गया और शरीर की ताकत भी खत्म हो गई। भक्त जनों आज पूरा गांव लुटा लुटा सा लगने लगता है जब बेटी घर से विदा हो जाती है। आपने देखा होगा बेटी विदा होती है वैसे ही रिश्तेदार होते हैं ना, पहले से ही बैग अपने कस कस करके रख लेते हैं और जैसे ही बेटी गाड़ी में बैठी वैसे ही रिश्तेदार पीछे से सब भाग जाते हैं, कोई नहीं रुकता है। उस घर में फिर अच्छा ही नहीं लगता है, लुटा लुटा सा घर हो जाता है, मानो पूरे गाँव में डकैती पड़ गई हो। जब बेटी घर से चली जाती है, देवकी को विदा किया है देवक ने बड़े प्रेम से घर से, इधर भोजराज कंस आ गया।